हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह 1690 ईस्वी बमुताबिक 1102 हिजरी हाला में पैदा हुए। आपका घराना सिंध का बरगजीदा सैयद ख़ानदान था। अमीर तैमूर के दौर में आपके बुजुर्ग मीर अली हिरात से सिंध आए थे। आपके वालिद का नाम सैयद हबीब शाह था, जिनका शुमार सिंध की बुजुर्ग हस्तियों में होता है। आपके ख़ानदान में कई बुलंद मरतबा हस्तियाँ पैदा हुईं, जिनमें शाह करीम बुलड़ी वाले और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अपने अपने दौर के अजीम मारूफ शायर और शख्सियात जाने गए। शाह लतीफ़ की शायरी को एक मौजज़ा मशहूर करने के लिए आपको अनपढ़ मशहूर किया गया, जो गलत है। आपने अपनी पहली दरसगाह आखूंद नूर मोहम्मद शाह कोटड़ी से इल्म आगाज़ किया। आप अरबी और फारसी के आलिम थे और हमेशा कलाम पाक और मसनवी मौलाना रूम अपने पास रखते थे। एक मौके पर सैयद हबीब शाह ने अपनी इलालत की वजह से अपनी जगह अपने साहबजादे लतीफ़ को मिर्ज़ा मुग़ल बेग अरगून की हवेली भेजा, ताकि वो उनकी बीमार साहबजादी सैयदा के लिए दुआ करें। लतीफ़ ने उस साहबजादी के हुस्न को देखा तो मशहूर हो गए और कहा, जिसका हाथ सैयद ने पकड़ लिया उसे क्या बीमारी का दुख। ये बात मुश्किल का सबब बन गई, हालात बदल गए। शाह की ज़िंदगी को इस हादसे ने यकसर बदल दिया। वो जोगी बनकर दश्त व्याबान घूमते रहे। 3 साल तक वो अंग भभूत जोगियों और बैरागियों के साथ नगर नगर फिरते रहे। ये दौर उनकी ज़िंदगी का वो दौर है, जिसमें महबूब को पाने की तड़प और ना पा सकने की बेबसी ने उनके एहसासात और जमालियाती ज़ौक को निखारा और दुख ने उनके अंदर को धोकर उजला कर दिया। बाद में उन्होंने जब क़याम किया तो उस दौर के सारे तजर्बे, दुख, दर्द और मजबूरियाँ उनकी शायरी में ढल गए। इसी आलम में कुछ अरसे बाद आप ठट्टा आए, जहाँ सूफ़ी मखदूम अल्लामा मोहम्मद मुईन शाह ने लतीफ़ के एहसासाती तौर पर बिखरे होने के दर्द को महसूस करते हुए कुछ ऐसा सलूक किया कि साईं दश्त नवर्दी छोड़कर घर लौट आए। बाद में मिर्ज़ा मुग़ल बेग अरगून ने अपने सलूक की माफ़ी मुर्शिद सैयद हबीब शाह से मांगी और सैयदा को शाह लतीफ़ के निकाह में दे दिया। शाह ने अपने मन की मुराद पाली और जिस ला हासिल को हासिल करने की तड़प और बेताबी ने ज़ौक को निखारा था, उसने शाह को एहसासाती रिफतें बख्शी थीं। शाह साईं अपने आइडियल को पाने के बाद उस ज़िंदगी की तरफ न पलट सके। ला हासिल को हासिल करने के बाद वाली कैफियत ने उनके दिल में किसी ऐसे हुस्न और आइडियल को पाने की तड़प पैदा की जो इंसानी हुस्न की तरह नापायदार ना हो और पा लेने में मुकम्मल सहराबी की कैफियत पैदा न कर सके। मजाजी हुस्न ने उन्हें हकीकी हुस्न से रोशनास कराया। शाह की ज़्यादातर शायरी ला हासिल को हासिल करने की इसी तड़प और बेताबी की शायरी है। वापस आने के बाद शाह लतीफ़ ने कोठड़ी से 5 कोस के फासले पर रेत के एक टीले को मुंतखब किया और उस पर ही रहने लगे। रेत के टीले की नस्बत से उनको भिटाई यानी टीले वाला कहते हैं। सिंधी में टीला भिट कहलाता है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मुकद्दस मकामात की ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ। ज़ियारत के लिए घर से निकले मगर रास्ते से न जाने क्यों लौट आए और इबादत और रियाजत में मुनहमिक हो गए। विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने दरवेशों को जो उनकी महफिल में गाते थे बुलाया और राग गाने की फरमाइश की और ख़ुद चादर ओढ़कर हुजरे में मराकबे में बैठ गए। 3 दिन तक दरवेश गाते रहे। 3रे दिन को लोगों ने हुजरे में जाकर देखा तो उनकी रूह अपने महबूब से जा मिली थी। मुहक्किकीन ने उनकी तारीख वफात सफ़र 1165 हिजरी लिखी है। ठट्टा के मशहूर शायर मोहम्मद पनाह रिजा ने उनकी तारीख वफात निकाली है। उस दौर के कल्होड़ा हुक्मरान ग़ुलाम शाह ने 1167 हिजरी में शाह लतीफ़ के मज़ार पर मकबरा तामीर करवाया, जो सिंधी फन तामीर का नादिर नमूना है। शाह की आरामगाह के बाहर सहन में आज भी दरवेशों के उसी ख़ानदान के लोग शाह का राग गा रहे हैं और शाह अबदी आराम कर रहे हैं। शाह का रिसाला। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का कलाम तमसील की सूरत
वादी मेहरान की 8 लोक कहानियों के पस मंजर में है, जिनके जरिए शाह ने सिंध के बाशिंदों के रस्म रिवाज, बूदोबाश, जज्बात व एहसासात को एक आम इंसान की नज़र से नज़्म किया है और इस मकसद के लिए मौसीकी के सुरों में शायरी की है, जो सिंध के रहने वाले के दिल की आवाज़ है और इस शायरी को आम मुहावरे और बोलचाल में इस्तेमाल भी किया जाता है। मोखी और मतारे में 6, सस्सी पुन्नू में 5, सूरठ राय डियाज में सबसे ज़्यादा 12 सुर और लाखों फुलानी में 2 सुर इस्तेमाल किए गए हैं। पहली दास्तान मोखी और मतारे का पहला सुर कल्याण। कल्याण एक रागनी का नाम है जो आमतौर पर सूरज गुरूब होने के बाद गाई जाती है। मानवीय एतबार से इसे सुख और खैर का वसीला समझा जाता है। जदीद मूसीकार इसको कल्याण ठाट भी कहते हैं। इस ठाट में और भी कई राग रागनियां शामिल हैं। उनके नाम हैं एमन कल्याण, शुद्ध कल्याण, भोप कल्याण, केदारा, छाबाट कामोद, शाम कल्याण, सावनी कल्याण और जीत कल्याण वगैरह। इस सुर में शाह ने खुदावंद ताला की वहदानियत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के रमूज़ और नुकात बयान किए हैं। इस सुर की बुनियादी खसूसियत वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद या हम उसके मजहर हैं। सुर कल्याण में 3 सुर और 3 वाइयाँ हैं। समात फरमाइए।